अभी मैं रामनगर से निकल रहा हूँ हल्द्वानी को, बस खराब हो चुकी है और हमें जाना है नैनीताल। 2 किलोमीटर पैदल चल के अब आया, उसके बाद यहाँ पे दुकान। सो गाइस, व्हाट्स अप, बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे कि आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा था, विनीत भाई आए थे और वो चले गए थे मुंशारी को। जी हाँ, वो चले गए थे, लेकिन रियलिटी बताऊँ तो यार अभी तक वो गए नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या है, ठीक है। मतलब रात को मैंने विनीत भाई से बात की और विनीत भाई कल रात पिथौरागढ़ थे। उन्होंने बोला कि कल ना आप हल्द्वानी आ जाओ, उसके बाद हम नैनीताल चलते हैं और एक दो दिन हम वहाँ पर टूरिंग करेंगे। और इतना तुम समझ सकते हो कि आज हम जाने वाले हैं नैनीताल। मतलब 3 या 4 साल बाद आज मैं नैनीताल जाने वाला हूँ। अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ नाई के वहाँ, मतलब बाल कटाने। मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो रखे हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब लोग इस ब्लॉग को देखते रहना, क्योंकि यार बहुत टाइम बाद हम नैनीताल जा रहे हैं गाइस और आपको भी ले जाएंगे अपने साथ। अभी हम आ रहे थे बाल कटाने के लिए और यहाँ पर ना अभी नासिर भाई आए नहीं है। गाइस अब चलते हैं घर को वापस, मतलब 10 बजे तक आएगी तो बहुत लेट हो जाएगा और अभी हमको बहुत जल्दी जाना भी है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर को और थोड़ा माइंड ना बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि यार इतना दूर आने के बाद अगर काम ना हो तो यार बुरा लगता है, वो भी सुबह सुबह आ रहा हूँ 8 बजे। तो गाइस हमारे गाँव में मार्केट बहुत दूर है यार, बाल कटवाने के लिए कम से कम इतनी दूर आना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं यार, लॉन्डो से बोलते हैं ना भाई तुम कुछ काम कर लो नाई का, घर पे एक दो लड़के हैं उनसे बोलते हैं कि तुम ये काम स्टार्ट कर लो रे बाबा, उसके बाद जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इससे पता क्या होगा, उनका काम भी चल जाएगा, हमारा जो नाई का काम है ना मतलब वहाँ हो जाएगा कि भाई घर पे ही बिजनेस खुलेगा और काम भी घर पे ही होगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे दुकान बंद है सुबह सुबह, तो यार मूड तो खराब होता है। कोई नहीं, अब चलते हैं वापस घर पे, नाश्ता करते हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है मेरे दोस्तों, मैं घर पे जाऊंगा और नहाऊंगा धोऊंगा, थोड़ा सेविंग करता हूँ और थोड़ा सा ना कैची से इसको काटता हूँ, तो उसके बाद निकलेंगे हम हल्द्वानी रामनगर को। कुल मिला के समझे कुछ, ये जंगली वाले बाल ना ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। गाइस अभी हम पूरा रेडी वेडी हो चुके हैं, मतलब अभी हम जा रहे हैं रामनगर को। गाइस अभी पहुँच चुका हूँ मोहान में और यहाँ से मुझे बस मिलेगी, फिर जाके हम पहुँचेंगे रामनगर। हम पहुंच चुके हैं रामनगर और यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ हेयर कटिंग कराने। अभी मैंने हेयर कट करवा ली है, तो फाइनली अभी मैं रामनगर से निकल रहा हूँ हल्द्वानी को। तो मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्ट हल्द्वानी, वो भी विनीत भाई के साथ। यार अब भी हम पहुंच चुके हैं फाइनली हल्द्वानी और विनीत भाई ने मुझे रोडवे से उठा लिया था। तो अभी का प्लान कुछ ऐसा है, हम निकलने वाले हैं नैनीताल को, हमारा प्लान अब भी बना है जस्ट विनीत भाई से मिलने। मैं विनीत भाई से बोल रहा हूँ कि यार विनीत भाई प्लीज़ कहीं पर ना साइड पर लगा दो, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है। अब जाके हल्द्वानी पहुँचा और इस वाली पुलिया को देखने के बाद मुझे अपने वहाँ की पुलिया की याद आ गई गर्जे में। गाइस फाइनली अभी हमारा प्लान हो चुका है कि हम जाने वाले हैं नैनीताल और आज हम जाने वाले हैं हल्द्वानी से नैनीताल की ओर। मतलब जब मैं पहले नैनीताल आया था ना तो मैं काला ढूंगी से होते हुए गया था और आज मैं पहली बार हल्द्वानी से जा रहा हूँ नैनीताल की ओर और यहाँ से ना जंगल आने स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब रोड की बात की जाए तो A1 कंडीशन है भाई, बाइक कितना भगाओ। जब हम परसों जा रहे थे ना, हाँ, दो लड़की गिरी है सीधा नाली में, यहाँ स्कूटी चलाते चलाते जी। रोड बढ़िया है अली? हाँ ऐसी है रोड, अरे यहाँ नहीं मिलेगी, खराब रोड खराब। टॉप में वो तो ऊपर है यार, नैनीताल में ही है वो, बहुत दूर के वैसे पता नहीं यार उसका, मुझे नहीं पता। वहां से जो व्यू दिखता है नैनीताल का वो बड़ा खतरनाक लगता है ना, कभी काट काट के दर्द। अरे जी भी यहाँ एक नहीं हजार लोग, हाँ सब ऐसी कहीं कहीं का आते ना। अभी अब दिल्ली का था, उसने अपना पीछे का सीधा फोड़ रखा था नीचे।
सो गाइस अभी हम निकल चुके थे हल्द्वानी से नैनीताल की ओर और विनीत भाई हमें रास्ते मिल गए थे हल्द्वानी में। मैंने इन्हें अपनी लोकेशन भेज दी थी और इन्होंने मुझे यहाँ से उठा लिया। तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं घर से एक जैकेट लेके आ रखा हूँ इसलिए मैं बैग नहीं लाया। मम्मी बोले थे बैग लेके जा। वगैरह तो मेरे पास पड़ी है। ना ना वो तो कितनी ठंड थोड़ा होगी। कुछ नहीं है ठंड यार जितनी है ये तो बाइक पे लग रही है यार थोड़ा बहुत। जब पहले बर्फ रहती थी ना उस टाइम ठंड बहुत पड़ती थी। सो गाइस एक बार यहाँ से आप लुक चेक करो मतलब व्यू देख रहे हो पहाड़ों का। नैनीताल यहाँ से 28 किलोमीटर है और रानीगंज 78, अल्मोड़ा 81 और हमें जाना है नैनीताल। तो अभी हमें 28 किलोमीटर और जाना है आगे, उसके बाद जाके हम वहाँ आज रात को स्टे करेंगे। गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं दो गांव में। मतलब यहाँ पर ना एक बैनर लगा था उसमें लिखा था कि दो गांव में। यहाँ से हमें नैनीताल की चढ़ाई जो है स्टार्ट हो चुकी है। मतलब बस ख़राब हो चुकी है और ट्रक वाले भैया जो है बस को धक्का देके आ रहे। 13 किलोमीटर है यहाँ से। 13 किलोमीटर अब 13। सो गाइस नैनीताल यहाँ से 13 किलोमीटर है और 13 किलोमीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे नैनीताल। और फिर आगे खराब हो गए और एक और गाड़ी देख रहे हो। मतलब यार मेरे को लग रहा है ऊपर कुछ। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रही है। यहाँ से नैनीताल बोर्ड में बता रहा है 18 किलोमीटर और जो हमारे गूगल मैप पे ना उसमें बता रहा है 8 किलोमीटर। मतलब दुगना देख रहे हो। और अभी हम इस लोकेशन पर रुके हैं, यहाँ से निकलते हैं। अभी 5 किलोमीटर बाकी और है।